सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल पांच प्रकार की आध्यात्मिक तुष्टियां कौन सी बताई थी? तो पहली जो चार तुष्टियां हैं वो क्या हैं? आध्यात्मिक तुष्टि हैं प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य। और उससे अगली जो पांच हैं उनको बाह्य तुष्टि कहा जाता है। तो वो कौन सी हैं? पांचों विषयों से संबंधित, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से संबंधित जो प्राप्ति हैं, उन प्राप्तियों में अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग, हिंसा आदि दोष देख करके उन पांचों विषयों से उपरत हो जाना, माने उनको प्राप्त करने में कोई पुरुषार्थ न करना, ये भी क्या है? तुष्टि है ये। तो ये चार आध्यात्मिक तुष्टि, पांच बाह्य तुष्टि, कुल मिलाकर के नौ तुष्टि। तो आगे देखिए, अब इमांश्च नव उक्त विपर्यया। इमांश्च माने ये आठ सिद्धियां और नौ तुष्टियां। इमांश्च नव, ये और नौ ऊपर बताए। इमांश्च नव उक्त विपर्यया, ऊपर इमांश्च नव, ये नौ तुष्टियां और उक्त विपर्यया, और जो ऊपर विपर्य बताए वो पांच हैं। उक्त विपर्यया पंच। तो इस प्रकार से अशक्ति कितनी हो गई? 28। अशक्ति ही 28। सह द्विचत्वारिंशत् माने 42। सिद्धि परिपंथित्वात् हेया। तो ये जो 42 हैं ये सिद्धि परिपंथित्वात्, सिद्धि में बाधा होने के कारण ये क्या हैं? हे हैं। कौन कौन सी बताओ? ये 42 संख्या क्या क्या हो गई? पांच विपर्य मतलब तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। पांच ये 28 अशक्ति, ग्यारह इंद्रियवध और 17 बुद्धिवध। तो 11 और 17 28, 28 और 5 33, तुष्टि 42। तो ये 42 होकर के ये क्या हैं? ये सिद्धि प्राप्त करने में ये बाधक हैं, इसलिए इन 42 को तो क्या माना? हेय माना। अब सिद्धि के बारे में बता रहे हैं। सिद्धि तो उपादेय हैं, सिद्धि बाधक नहीं है। अष्टधा सिद्धि ही, आठ प्रकार की सिद्धियां हैं। तद यथा, जैसे सबसे पहले ऊहः, ऊहा नाम की सिद्धि। ऊह शब्द, अध्ययनम, दुख विघात त्रय, सुहृत प्राप्ति, दानश्च, सिद्धयो अष्टौ इति। ऊहा नाम की सिद्धि, शब्द सिद्धि, अध्ययन सिद्धि और तीन प्रकार के दुखों को विघात करने वाली तीन प्रकार की सिद्धि। फिर छठी सुहृत प्राप्ति, सातवीं दान, आठवीं दान और सातवीं सुहृत प्राप्ति, ये सिद्धयो अष्टौ इति। इस प्रकार ये आठ सिद्धियां हैं। तत्र उपदेशम अंतरेण तत्वज्ञानस्य स्वयं उह्याद्या असिद्धि सा प्रथमा। तो किसी के उपदेश के बिना ही तत्वज्ञान से स्वयं ही ऊहा आदि होना, ये क्या है? ऊहा नाम की सिद्धि है ये पहली है। अन्यदीय शास्त्र पठन आकर्ण्य ज्ञानोत्पत्तौ शब्दाख्या द्वितीया। अन्यत, अन्यदीय दूसरी क्या है? शास्त्र पठन आकर्ण्य, या तो शास्त्र को पढ़ने से या किसी का उपदेश सुनने से
कभी कभी तो सुनने से भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना। अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध का एक उपदेश सुनने से ही ज्ञान उत्पत्ति हो गई, तो कभी कभी भूत पिशाच को भी सुनने से सिद्धि प्राप्त हो गई, जो आपने पढ़ा सांख्य दर्शन में। तो ये शास्त्र को पढ़ने से या सुनने से जो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और उससे फिर तत्वज्ञान हो करके हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ये दूसरी है शब्दाख्या द्वितीया ज्ञानोत्पत्ति में। तीसरी अध्ययन तत्वज्ञाने तृतीया, वो शास्त्र खुद पढ़ रहे थे ऊपर वाली दूसरे वाली में, तो पढ़ के भी किसी को ज्ञान होता है, इसलिए स्वाध्याय करते हैं ना लोग। और अध्ययन का मतलब कोई दूसरा पढ़ा रहा है, और उसके पढ़ाने से जो हम अध्ययन कर रहे हैं उससे यदि हमें ज्ञान हो जाए, तो ये अध्ययन नाम की तीसरी सिद्धि है, ये जो आपको प्राप्त है। आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक दुख त्रय विघाते न तत्व ज्ञाने जाते सिद्धि त्रयम, तीन प्रकार के दुख बताए थे, आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक। जितना जितना हटा लेंगे उतनी उतनी सिद्धि मिल जाएगी। मान लो किसी ने अपने से संबंधित दुख हटा लिए, तो समझ लो एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली आपने। आपने ये तय कर लिया कि मुझे अपने आप को अपने आप से दुखी नहीं करना है, तो उसके कारण बताए थे ना इन्होंने, राग द्वेष लोभ क्रोध मोह, इनके कारण ही तो मैं अपने आप को दुखी करता हूँ, और वो मैंने हटा दिए तो मैंने अपने आप को दुखी करना बंद कर दिया। ऐसे ही शरीर से मैंने व्यायाम प्राणायाम करना शुरू कर दिया, ठीक आहार लेना शुरू कर दिया, ठीक समय पे सोना और जागना शुरू कर दिया, नहीं तो नींद भी नहीं आती है किसी किसी को। तो ये एक प्रकार का दुख यदि हमने हटा दिया तो समझ लो एक सिद्धि मिल गई। दो प्रकार के दुख हटा दिए, लोगों से व्यवहार आदि करना आ गया तो अब दूसरे लोग भी दुख देते नहीं हैं बल्कि हमारा ख्याल ही रखते हैं, तो दो सिद्धियां प्राप्त हो गई। और तीनों प्रकार के दुख को हटा दिया, ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया, यज्ञ याग आदि का प्रचलन करवा दिया, वृक्ष लगा दिए, तो ऐसी आपदाएं आती नहीं हैं। ऐसे उदाहरण सुनते हैं ना हम सतयुग में, किसी को ज्वर भी नहीं आता था, अनावृष्टि या अवृष्टि नहीं होती थी उस राजा के राज्य में क्योंकि उनका आचरण ऐसा था। उसको भी यदि हम हटा दें तो तीनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए कहा आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक दुख त्रय विघात है ना, इन दुख त्रय का विघात होने से, तीनों दुखों के हट जाने से, तत्व ज्ञाने जाते तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाने से सिद्धि त्रयम, तीन प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कितनी हो गई? छः हो गई। हाँ ऊहा एक है, छः हो गई, छः सिद्धियाँ हो गई। ऊहा एक और शब्द के सुनने आदि से शब्द सिद्धि दो, अध्ययन तीन, और तीन आध्यात्मिक आदि दुखों को हटाने से छः हो गई। ज्ञानवत सुहृदो लाभेन तत्व ज्ञाने सुहृद प्राप्त्याख्या सप्तमी। ज्ञानवत ज्ञान वाले, सुहृद लाभेन किसी ज्ञानी सुहृत के लाभ से, तत्व ज्ञाने तत्व ज्ञान हो जाने पर सुहृत प्राप्ति आख्या सप्तमी। किसी का मित्र ज्ञानी है और वो उसको रोज कुछ ना कुछ सुनाता रहता है और उसके सुनने से ही उसको तत्व ज्ञान हो गया, तो समझ लो ये जो मित्र का मिलना ये भी क्या है, अपने आप में सिद्धि है। संगति सत्संगति, इसके ऊपर वो लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे बचपन में आप, सत्संगति के गुण कुसंग के दोष। तो किसी को ऐसा मित्र मिले तो सिद्धि है, और इससे उल्टा मिल जाए तो दुर्भाग्य है फिर, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव बड़ा होने पे व्यक्ति के ऊपर किसका मिलता है, संगति का, जिनके संग में रहता है। तो ऐसा कोई सुहृत मिले, हाँ श्रद्धे स्वामी सोमानंद जी महाराज बोलते थे, मूर्खों की जय जयकार से विद्वानों की फटकार भली। यदि मूर्ख लोग मिलकर के हमारी जय जयकार कर रहे हैं और हम खुश हैं कि देखो मैं तो महामंडलेश्वर बन गया, या वहाँ तो कोई पूछता ही नहीं था, ये लोग कितनी मेरी जय जयकार कर रहे हैं। अरे वो मूर्ख हैं, वो किसी दिन आपको फांसी पे भी लटका सकते हैं। तो ऐसे मूर्खों की जय जयकार से जहाँ ज्ञानी लोग रहते हैं, योगी लोग रहते हैं, वो यदि फटकारते भी हैं तो भी वो हमारा अहित नहीं होने देंगे, तो उनकी फटकार भली है इन मूर्खों की जय जयकार से, ऐसे स्वामी जी बोलते थे।
तो ये भी एक सुहृत प्राप्ति है। और व्यक्ति को पहचाना भी कैसे जाता है, उसकी संगति से। भले ही आपका कोई भी दोष सामने नहीं आया, लेकिन आप ऐसे लोगों के पास बैठते हैं तो फिर लोग क्या आपके बारे में भी छवि बना लेते हैं, भाई उसकी संगति ये है तो ऐसा ही होगा। तो संगति से भी पहचाना जाता है ना व्यक्ति, तो इसलिए सुहृत प्राप्ति, इसको एक सिद्धि कहा है ऋषि ने। जानवत सुहृतो लाभे न तत्व जाने सुहृत प्राप्त्याख्या सप्तमी। इसलिए अच्छा मित्र मिले तो मित्र बनाओ, अच्छा मित्र ना मिले तो पुस्तकों को अपना मित्र बना लो, इससे अच्छा तो पेड़ पौधों को मित्र बना लो, वो भी हानि नहीं करेंगे। इसलिए लोग दूसरों के घरों में जाने की बजाय अपने घर में कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, उनसे मित्रता कर लेते हैं। ये कम से कम स्वामी भक्त तो है कुत्ता, इतनी तो शिक्षा देगा हमें। तो उसका विवेकपूर्ण किसी व्यक्ति के मिलने की इसके ऊपर बल दिया गया है कि हम ऐसी संगति में रहें। तो ये सात हो गई। फिर कहा धनादि आराधिते जानिनी ही तत्व ज्ञाने अष्टमी। धन सिद्धि, धन आदि आराधिते, धन आदि देने पर, जैसे कोई विद्वान योगी हमारे घर में आते हैं तो गृहस्थ लोगों का ये है कि वो उनको दान आदि दें, तो क्योंकि वो जिस अनुष्ठान में लगे हैं वो तभी तो संपन्न होगा। फिर उसके बदले में वो उनको उपदेश देते हैं गृहस्थ लोगों को, उस उपदेश से उनको ज्ञान होता है। तो इसलिए उस ज्ञान के होने से इसको सिद्धि मिल गई इस व्यक्ति को, तो इस सिद्धि को कहेंगे धन सिद्धि। धन आदि आराधिते ज्ञानिनी तत्व ज्ञाने अष्टमी, ये आठवीं सिद्धि है। अब कह रहे हैं अत्र दुख त्रय विघात रूपाणाम तिसृणाम सिद्धिनाम मुख्यत्वम इतरासाम तो उपायत्वात् गौणत्वम बोध्यम। कह रहे हैं ये जो दूसरी सिद्धियां हैं ना आठ में से, ये तो गौण हैं, इनमें मुख्य हैं दुख त्रय विघात रूपाणाम तिसृणाम सिद्धिनाम मुख्यत्वम। हमें सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किस में करना चाहिए, तीन प्रकार के दुखों को हटाने में। अगर ये तीन प्रकार के दुख हट गए तो बाकी सिद्धियां तो फिर सहज ही प्राप्त हो जाएंगी, फिर और चीज़ें तो अपने आप उपलब्ध हो जाएंगी हमें। तो इनको मुख्य बताया है, और उन तीनों में भी सबसे मुख्य कौन सी है, आध्यात्मिक दुख को हटाना, क्योंकि वो 100% हमारे ही अपने ही अंडर में है। बाकी हमारे आदि भौतिक आदि दैविक में हमें दूसरे की सहायता की जरूरत है, लेकिन आध्यात्मिक दुख को हटाने में हमें स्वतंत्र रूप से किसी की भी आवश्यकता नहीं है, हमें स्वयं ही हटानी है और हम ही हटा सकते हैं उसको, दूसरा कभी कोई हटा सकता ही नहीं है। ये दृढ़ निश्चय करना अपने मन में कि मेरे जो ये दोष है ना, इनको कोई दूसरा कभी नहीं हटा सकता है, चाहे मैं रात दिन गुरुओं के सामीप्य में रहूँ, सानिध्य में रहूँ, चाहे उनका उपदेश सुनता रहूँ, चाहे शास्त्र पढ़ता रहूँ, कुछ भी करता रहूँ, लेकिन वो दूसरे मेरे इन दोषों को नहीं हटा पाएंगे, मुझे स्वयं ही हटाना है। स्वयं हटाना है तो व्यक्ति जागरूक रहेगा, जागरूक रहेगा तो हट जाएंगे एक समय में वो। अत्र दुख विघात रूपाणाम तिसृणाम सिद्धिनाम मुख्यम इतरासाम तद उपायत्वात् गौणत्वम बोध्यम। पंच विपर्यात आरभ्य अष्ट सिद्धि पर्यंतम एते प्रत्यय सर्गाः। तो पंच विपर्य से लेकर के और यहाँ अष्ट सिद्धि पर्यंत, 42 ऊपर बता दिए थे, 8 सिद्धियाँ बता दी, तो कुल कितने हो गए, 50, 42 प्लस 8 50। तो ये कह रहे हैं पंच विपर्य से लेकर के और अष्ट सिद्धि पर्यंत एते प्रत्यय सर्गा, इनको प्रत्यय सर्ग कहते हैं। तेषु प्रकृति प्रत्यंताख्याति प्रेप्सु भी द्विचत्वारिंशत् आदितः हेयाः। तेषु इनमें से ये जो प्रत्यय सर्ग हैं, प्रकृति प्रत्यय अन्यता ख्याति प्रेप्सु भी, प्रकृति और प्रत्यय की अन्यता ख्याति चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा, जिज्ञासुओं के द्वारा, हमें चाहना क्या है, प्रकृति प्रत्यय की अन्यता ख्याति, दोनों का भेद, ये जिसको चाहना है, इसके जो इच्छुक हैं,
तो कह रहे हैं इनमें से ये जो प्रत्यय सर्ग है इनमें से तेषु प्रकृति प्रत्यय अन्यता ख्याति प्रेप्सु भी ही, प्रकृति प्रत्यय की अन्यता ख्याति चाहने वालों के द्वारा चत्वारिंशत आदित हेया, ये जो शुरू की 42 हैं प्रत्यय सर्ग ये तो हे हैं, छोड़ने योग्य हैं। 5 विपर्य छोड़ने योग्य हैं, 28 अशक्तियां छोड़ने योग्य हैं, 9 तुष्टि छोड़ने योग्य हैं। तो ये शुरू के जो 42 हैं ये तो छोड़ने योग्य हैं। सिद्धयस्तु उपादेया, लेकिन सिद्धियां तो उपादेय हैं। सिद्धयस्तु उपादेया इति तत्व स्वरूप व्याक्रियया एव सूचितं भवति, क्योंकि इन सिद्धियों के द्वारा तो तत्व स्वरूप ही व्याक्रियया, व्याक्रिया माने व्याख्या के द्वारा, तत्व स्वरूप की व्याख्या करने के लिए इनकी तो उपादेयता ही है, ऐसा सूचितं भवति, ऐसा ज्ञात होता है। ऋषि ये कहना चाह रहे हैं कि 42 को तो हटा देना चाहिए शुरू के, और 8 जो हैं वो तो तत्व स्वरूप की प्रक्रिया को सूचित ही करती हैं, ऐसा जानना चाहिए। ये सिद्धियाँ तो हमारे सामने लाती हैं तत्व स्वरूप को। जब हम तीनों प्रकार के अपने दुख हटा देंगे, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, और हमें उहा की सिद्धि भी होगी, शब्द की सिद्धि भी होगी, दान की सिद्धि भी होगी, तो फिर तो वो तत्व रूप हमारे सामने लाने में ये हमारी सहायता ही करेंगी। प्रत्यय सर्गम अभिधाय प्रकृति सर्गम आह, तो ये तो 50 वाला तो क्या था, प्रत्यय सर्ग ज्ञान सर्ग। अब प्रत्यय सर्ग का अभिधान करके, प्रत्यय सर्ग को कह करके प्रकृति सर्गम आह, अब प्रकृति सर्ग के बारे में कह रहे हैं, प्रकृति सर्ग को बता रहे हैं। ये तो 50 का था प्रत्यय सर्ग, तो और प्रकृति सर्ग क्या है, तो सूत्र बोलिए, दश मूलिकार्थाः, 10 मूलिकार्थ हैं, 50 और 10 60, और इन 60 को मिला करके ही इस शास्त्र को क्या कहा जाता है, षष्ठी तंत्र, 60 का तंत्र, 60 का शास्त्र। तो दश मूलिकार्थः, दश अर्था पदार्थः, अर्था माने पदार्थ, मूलिकाः वो मूलिक हैं, मूलिकाः सन्ति मूलं प्रकृतिः पुरुषश्च तौ आश्रयत्वेन विद्येते, ये जो मूलिक हैं 10 ये प्रकृति और पुरुष के आश्रय से रहते हैं। तो प्रकृति पुरुषश्च तौ आश्रयत्वेन विद्येते येषां, हाँ प्रकृति और प्रत्यय इन दोनों का आश्रय है जिनमें, माने इनके आश्रय से वो रहते हैं, इन दोनों का आश्रय है जिनमें, उनको क्या कहा, मौलिक अथवा मूलम स्वभावः स प्रयोजकत्वेन अस्ति येषां, मूल स्वभाव जो प्रयोजकत्व के रूप में है जिनका, उनको मूलिका कहा। मूल प्रकृतौ पुरुषे च विद्यमाना इति यावत्, मूल प्रकृति या पुरुष के आश्रय से ये विद्यमान रहते हैं, तो वो 10 मौलिक बता रहे हैं। तथा च राजवार्तिकम, राजवार्तिक में इन 10 को गिनाया है, प्रधान अस्तित्व एकत्व अर्थवत्व अथ अन्यता पारार्थ्यम च और नैक्यम, नैक्यम माने बहुत्वम वियोग योग एव च शेषवृत्ति ही और अकर्तृत्वम मौलिकार्थ स्मृता दशः, ये आपकी इस पुस्तक में भी दिए हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं, ये है पृष्ठ 143 पे है। तो इसमें 3 एकत्व अर्थवत्व पारार्थ्य ये तो प्रधान की अपेक्षा से हैं, अन्यत्व अकर्तृत्व बहुत्व, यहाँ जो बहुत्व लिखा है 6 नंबर पे वो ही इस पेपर में नैक्यम के रूप में लिखा है, 6 नंबर न एक्यम अर्थात बहुत्वम, तो ये केवल पुरुष की अपेक्षा से हैं। और अस्तित्व वियोग और योग ये प्रकृति और पुरुष दोनों की अपेक्षा से हैं, एकत्व प्रकृति का है, अर्थवत्व, अर्थवत्व माने भोग अपवर्ग प्राप्त करवाते हैं ना, तो ये प्रयोजन भी कौन पूरा करता है, प्रकृति, तो अर्थवत्व भी इसका है, पारार्थ्य दूसरे के लिए, तो पारार्थ भी किसका है, प्रकृति का, तो ये 3 मौलिक तो प्रकृति के आश्रय से हैं। अन्यत्व
अन्यत्व माने सब आत्माएं भिन्न भिन्न है ना, एक नहीं है, तो ये पुरुष की अपेक्षा से है। अकर्तृत्व असंगोयम पुरुष अकर्ता च, तो ये अकर्तृत्व भी किस में है, पुरुष में है, तो ये मौलिक भी पुरुष की अपेक्षा से है। और बहुत्व एक नहीं है, आत्मा अनेक है ना, बहुत्व है, तो ये भी पुरुष की अपेक्षा से है। और अस्तित्व, ये जो अस्तित्व है ये प्रकृति और पुरुष दोनों की अपेक्षा से है। वियोग, किसी चीज़ का वियोग, ये भी दोनों की अपेक्षा से है। और किसी चीज़ का योग, ये भी दोनों की अपेक्षा से है। और स्थिति, स्थिति जो है ये स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की अपेक्षा से है, जिसमें बुद्धि से लगा करके स्थूल भूत पर्यंत 23 विकार भूत तत्वों का समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार से 50 बुद्धि सर्ग और 10 मौलिक अर्थ, ये मिलकर के 60 पदार्थों का अध्यात्म दृष्टि से इस शास्त्र में विवेचन हुआ है, और इसी आधार पर इसका नाम षष्ठी तंत्र है। तो इधर आइए अब, अत्र एकत्वम अर्थवत्वम पारार्थम, तीन प्रधाने, ये प्रधान की अपेक्षा से हैं, जो हमने पढ़ लिया ना उसी को ये पढ़ा रहे हैं अभी। अन्यत्वम प्रकृत्यापेक्षम, और अन्यत्व जो है वो प्रकृति की अपेक्षा से है। अकर्तृत्वम और बहुत्वम, ये पुरुष है, ये पुरुष की अपेक्षा से हैं। अस्तित्वम योगो वियोगः, वियोगश्च ये उभयो, अस्तित्व योग और वियोग ये प्रकृति और पुरुष दोनों की अपेक्षा से हैं। शेष वृत्ति अंगांगिनो भावेन गुणानाम वृत्ति, और जो शेष वृत्ति जिसको स्थिति कहा था 10 नंबर पे, ये अंगांगी भाव होने से गुणों की वृत्ति है, क्योंकि गुण जो हैं वो किस में रहते हैं, गुणी में ही रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते हैं, आत्मा गुणातीत है। स्थूल सूक्ष्म शरीरयोः इति, ये स्थूल या सूक्ष्म शरीर में रहते हैं गुण, त्रिगुण जो हैं, ठीक है, आत्मा तो गुणातीत है, स्थूल या सूक्ष्म शरीर में रहते हैं गुण। अत्र प्रकृति पुरुषयो साधर्म वैधर्म निरूपेण द्वयो पार्थक्येन ज्ञानम प्रकृति अन्यता ख्याति बीजम इति सूचितम भवति। तो कह रहे हैं अत्र प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति और पुरुष का साधर्म वैधर्म निरूपेण, साधर्म से और वैधर्म से निरूपण किया गया है। साधर्म क्या है दोनों का, दोनों नित्य हैं, पुरुष भी नित्य है प्रकृति भी नित्य है। वैधर्म क्या है, पुरुष अपरिणामी है प्रकृति परिणामी है, वो 23 तत्वों में परिणमित हो जाती है। तो कह रहे हैं अत्र प्रकृति पुरुषयो साधर्म वैधर्म निरूपेण द्वयो पार्थक्येन, दोनों का पृथकता से ज्ञानम, ज्ञान प्रकृति पुरुष अन्यता ख्याति बीजम इति सूचितम भवति, इन दोनों का ज्ञान होता है। और वो ज्ञान किससे होता है, तो कहा प्रकृति पुरुष की अन्यता ख्याति उसका बीज है। जब हमें प्रकृति और पुरुष दोनों की अन्यता ख्याति हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगे, तो हमें तत्व ज्ञान हो ही गया, फिर हो जाता है, ये उसका बीज है। तथा च एतेषां धर्माणां तत्तत् स्वभावभूतत्वेन प्रकृति सर्ग प्रकृति सर्गता व्यवहार इति, तथा च एतेषां धर्माणां, और कह रहे हैं वैसे ही इनके धर्मों का तत्तत् स्वभावभूतत्वेन, उस स्वभाव वाला होने से, ये जो तत्व हैं ऊपर जो गिनाए, तथा च एतेषां धर्माणां, इनके जो धर्म हैं इन तीन गुणों के, ये तत्तत् स्वभावभूतत्वेन उस स्वभाव वाले होने से प्रकृति सर्गता व्यवहार, प्रकृति सर्गता का व्यवहार इनमें होता है, तीनों गुणों में। सारा जो प्रकृति सर्ग है वो किस पे टिका हुआ है, तीन गुणों पे टिका हुआ है। ननु बुद्धि आदि भी रेव त्रिगुणात्मक ही सकल कार्य सिद्धौ किम अधिक प्रकृति ही अंगीकारेण अत आह, ये कह रहे हैं कि ये जो सारा प्रकृति सर्ग है ये तो बुद्धि आदि भी एव त्रिगुणात्मक ही, जो त्रिगुणात्मक बुद्धि आदि हैं, बुद्धि आदि मतलब महतत्व अहंकार, फिर उनसे तन्मात्राएं, फिर स्थूल भूत, फिर इधर 11 इंद्रियां, तो ये सारे के सारे तो महदादि से ही बन गए ना, और महदादि क्या हैं,
त्रिगुणात्मक हैं, तो वही कह रहे हैं बुद्धि आदि भी रेव त्रिगुणात्मक ही, बुद्धि आदि महतत्व आदि जो त्रिगुणात्मक हैं उनसे ही सकल कार्य सिद्धौ, सारे कार्य रूप सिद्ध होने से आगे का पूरा जो सर्ग है वो इन्हीं से ही तो सिद्ध हो जाता है ना, तो इन्हीं से सिद्ध होने पर किम अधिक प्रकृति अंगीकारेण, उनसे पीछे प्रकृति को भी स्वीकार करने से क्या फायदा, मूल प्रकृति को क्यों मान रहे हैं, महदादी तक कोई मानो, महदादी से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं हमारे, तो प्रकृति को अंगीकार करने का क्या प्रयोजन है। अतः आह, तो इसलिए कह रहे हैं सूत्र बोलिए अनुग्रह सर्ग, कह रहे हैं सारा सर्ग उसी के अनुग्रह से तो चल रहा है, उन तीन गुणों के अनुग्रह से ही। तो बुद्ध्यादि भी ही स्वकार्य अहंकारादौ जनयित्वे प्रकृते अनुग्रह सहायो अपेक्षते, है ना, यहाँ ओ के बाद अवग्रह चिन्ह लगा लेना। बुद्धि आदि भी ही, बुद्धि आदियों के द्वारा स्वकार्य अहंकारादौ, बुद्धि का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य क्या है निश्चय करना नहीं, यहाँ कार्य रूप अहंकार, बुद्धि का कार्य क्या है अहंकार, का कार्य क्या है एकादश इंद्रियां और तन्मात्राएं, तन्मात्राओं का कार्य क्या है पंच स्थूल भूत। तो ये कह रहे हैं बुद्धि आदि भी स्व कार्य, बुद्धि आदि अपने कार्य अहंकार आदौ, अहंकार आदि में जनयित्वे उत्पन्न होने के लिए प्रकृते अनुग्रह सहायोपेक्षते, प्रकृति के अनुग्रह की सहायता की अपेक्षा रखते हैं। यदि मूल प्रकृति ना हो तो फिर ये अहंकार ही उत्पन्न नहीं होगा, महतत्व ही, और महतत्व उत्पन्न नहीं होगा तो अहंकार भी उत्पन्न नहीं होगा। तो ये आप यूँ कह रहे हैं कि महतत्व से ही अहंकार आदि उत्पन्न हो जाएंगे, तो कह रहे हैं महतत्व को उत्पन्न करने के लिए तो मूल प्रकृति की अपेक्षा है ना, नहीं तो महतत्व ही उत्पन्न नहीं होगा यदि मूल प्रकृति नहीं है तो। बुद्धि आदि भी स्व कार्य अहंकार आदौ जनयित्वे प्रकृते अनुग्रह सहायोपेक्षते, प्रकृति के अनुग्रह की सहायता की अपेक्षा होती है उसको।